हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिलमिल के भाई भाई की तरह के रहना है और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हमें निश्चय करना चाहिए। जितना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है, हम सब एक बाप के, एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। तो जैसे सर्व धर्म का सार सर्व मजहब के लोग एक रहे और सब कौम के, सब जात के कोई फर्क न रखे और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं और सभी एक समान है, क्योंकि सब इंसान में जो आत्मा है, जो छोटी सी चीज है लेकिन जिससे वो खड़ा है वो ईश्वर का अंश है, उसमें ऊंच क्या और नीच का, पवित्र क्या अपवित्र क्या। पवित्र तो वही होता है कि जो अपना पवित्र जीवन रखता है, अपवित्र वही है कि जो ख्याल अपवित्र रखता है, अपना जीवन अपवित्र रखता है। तो न कोई हमें, हमारे में न कोई स्पृश्य होना चाहिए न अस्पृश्य होना चाहिए, सभी एक समान है, कोई न ऊंच है न कोई नीच है। तो हमें सब एक समान भाव से देखना है, सबको साथ मिलजुल के रहना है, प्रेम से रहना है।